हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन योर क्लास थर्ड ऑफ हिंदी। टेक आउट योर हिंदी बुक। अपन लेसन नंबर 8, पंछी की चाल। यस, रिमेंबर वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, सो यू हैव टू पुट योर फिंगर। पंडित राम प्रसाद शर्मा कथा वाचन कर अपने घर वापस आ रहे थे। पंडित राम प्रसाद शर्मा जो कि कहीं पर किसी जगह पर कथा सुनाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में बाजार पड़ता था और जब उस रास्ते से वो आ रहे थे अपने घर, तो उस रास्ते में मार्केट था। वहाँ से उन्होंने आवश्यक वस्तुएं खरीदी। मार्केट से उन्होंने जो चीज़ें उनको चाहिए थी वहाँ से उन्होंने वो परचेज की, खरीदी। बाजार में उन्होंने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। अब वो जिस मार्केट में वो चीज़ें खरीदने गए थे, तो उस मार्केट में वो देखते हैं कि एक आदमी है जो बहुत सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वे तोते बेचने वाले के पास गए और एक तोता खरीद लिया। उन्होंने वो एक पंडित जी जो हैं वो एक तोते बेचने वाले के पास गए और उसमें उससे एक तोता खरीद लाया जो राम राम कहता था। वो तोता राम राम बोलता था। घर आकर सारा सामान रखा और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते को टांग दिया। वो जो तोता लाए थे वो तोता राम राम बोलता था और फिर उन्होंने घर पे आके अपना सारा सामान जो लिया था उन्होंने उसको रखा और तोते को एक सुरक्षित स्थान पर टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे जैसे वो राम राम बोलना सीख गया ना, ऐसे ऐसे उसको और भी कई शब्द पंडित जी ने सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। वो तोता भी बात करने लगा। अनेक लोगों ने पंडित जी से वह तोता खरीदना चाहा। बहुत लोगों ने चाहा कि हम ये तोता पंडित जी से खरीदें, पर पंडित जी ने किसी को न दिया। पंडित जी ने वो तोता किसी को भी नहीं दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा तोता उनसे विनयपूर्वक कह रहा था। एक दिन पंडित जी को सपना आया रात में और उसमें उन्होंने देखा कि वो जो तोता है ना उनके घर में, वो उनसे बोल रहा है, पंडित जी आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है, आपने मुझे इस पिंजरे में क्यों रखा है, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, फिर वह पाप क्यों कर रहे हो, फिर मुझे बंद करके रखने का पाप क्यों कर रहे हो। पंडित जी ने उसे समझाया, तुम मुझसे ये बात कह रहे हो। पंडित जी उसको सपने में समझा रहे हैं कि तुम मुझसे ये बात कह रहे हो कि मैंने तुम्हें बंद क्यों कर रखा है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा पाप क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ, जबकि तुम मेरे पास क्या हो, सुरक्षित हो। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और बेच रहा था? जो बात तुम मुझसे कह रहे हो, मुझे बंद क्यों कर रखा है, तुम धार्मिक व्यक्ति हो, क्या यही बात तुमने उस व्यक्ति से कही थी जिससे मैंने ये तुम्हें खरीदा, जो तुम्हें बेच रहा था लोगों को, उससे ये बात कही थी कभी तुमने? तोते ने जवाब दिया, पंडित जी पंछी पकड़ना और बेच कर अपना पेट पालना उसकी मजबूरी है। मतलब उसके लिए पंछियों को पकड़ना और उसको बेचना और उससे जो पैसे मिले उससे अपना घर चलाना होता है, तो इस तरह से मुझे बेचना उसकी मजबूरी थी। वह यदि मेरी बात मानता, अगर मैं उससे इस तरह से बोलता, फिर पंछी पकड़ता ही क्यों? अगर वो मेरी बात मानता और बेचना बंद कर देता और हमें आज़ाद रहने देता, तो वो हमें पकड़ता ही क्यों? फिर उसके परिवार का, अब उसका तो जॉब वर्क ही यही था कि पंछियों को पकड़ना और उसको सेल करना, और अगर वो ऐसा करना बंद कर देगा तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? मतलब वो अपने परिवार की जो डेली नीड्स है, जो खाने पीने की जो डेली नीड्स है, वो कैसे कंप्लीट करता? वह तो अपनी मजबूरी के कारण पंछी पकड़ता है। तो जिसने मुझे पकड़ा था वो उसकी मजबूरी थी मुझे पकड़ना, इसलिए वो मजबूरी के कारण मुझे पंछियों को पकड़ता है। पर आपकी ये मजबूरी नहीं, आपकी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको पंछियों को पकड़ना है, उसको कैद करके रखना है। फिर आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? जब आपकी इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है तो आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गया हूँ। मैं तो आपका एक एंटरटेनमेंट बन गया हूँ कि हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में आप आगे मुझसे बात करते हो, मुझसे बात करके खुश रहते हो और खुश हो जाते हो, तो आपने तो मुझे बस ऐसे साधन बना दिया है हंसने का। पंडित जी ने उसे फिर समझाया, मैं तुम्हें इस समय स्वतंत्र कर देता हूँ, मैं तुम्हें अभी छोड़ दूँगा,
मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है, पर यदि कोई पक्षी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बेहद दुख होगा कि अगर मैंने तुम्हें बाहर छोड़ा और कोई बड़ा पक्षी तुम्हें मार देगा तो मुझे बहुत दुख होगा। इस पर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा, कि अगर डेथ ही होनी है, अगर मरना ही है तो मैं आपके पास रहूँगा तो आपके पास भी कभी तो मेरी डेथ होगी, कभी तो मुझे मरना ही होगा। पंडित जी, स्वप्न पूरा हुआ, जैसे ही ड्रीम पूरा हो गया है तो सपने की बात है, सब सपने में हुआ है, सच में जो तोता है उसने कुछ नहीं कहा है, सपने में ऐसा कुछ हुआ है। इसी समय प्रातःकाल हो गया, जब सपना पूरा हुआ तो उस वक्त सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का, उसे हम प्रातःकाल कहते हैं। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, पंडित जी ने तोते से कहा, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना, तू बाहर जाना चाहता है ना पिंजरे से। यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। पंडित जी ने दुखी मन से उसे आज़ाद कर दिया। पंडित जी ने पिंजरे को खोला और उसे बाहर भेज दिया। देखते ही देखते वो तोता हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करने का मतलब क्या है, वो बहुत ऊँचा उड़ने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। जैसे जब उसे आज़ाद कर दिया गया पिंजरे से तो वो तोता बहुत खुश हो गया, और उसे इतना ऊँचा और इतना खुश होकर उड़ता देख, उसे खुश देख पंडित जी भी प्रसन्न हुए, पंडित जी को भी खुशी हुई। यस, क्वेश्चन आंसर, मौखिक प्रश्न, पंडित का क्या नाम था? रामप्रसाद शर्मा। पंडित अपने घर वापस कहाँ से आ रहे थे? कथा वाचन से। पंडित जी ने बाजार से क्या खरीदा? तोता। लिखित प्रश्न, तोता क्या कहता था? तोता राम राम कहता था। पंडित जी के स्वप्न में कौन आया? पंडित जी के स्वप्न में तोता आया। पंडित जी ने तोता बेचने से इनकार क्यों कर दिया? पंडित जी ने तोता बेचने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह उसे बहुत प्रेम करते थे। तोते ने स्वप्न में पंडित जी से क्या कहा? तोते ने स्वप्न में पंडित जी से कहा कि आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? आप तो धार्मिक हैं, फिर यह पाप क्यों कर रखा है? फिफ्थ क्वेश्चन, पंडित जी ने तोते को क्यों उड़ा दिया? पंडित जी ने तोते को इसलिए उड़ा दिया क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहता था। यह सही शब्द पर निशान, सही उत्तर पर निशान लगाइए। पंडित जी ने बाजार से क्या खरीदा? तोता। पंडित जी ने पंछी को कहाँ रखा था? पिंजरे में। पंडित जी ने तोते को कैसे आज़ाद किया? दुखी मन से। तोते को कैसा जीवन पसंद था? आज़ाद। यस, दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुझे पकड़ना उस आदमी की थी मजबूरी। एक रात पंडित जी ने स्वप्न देखा। तोता बहुत बातूनी था। तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? फिफ्थ, तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। यस, असत्य व असत्य, जो वाक्य सही है उसके लिए सत्य और जो गलत है उसके लिए असत्य। तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया, सत्य। सेकंड, पंडित ने स्वप्न में कबूतर को देखा, असत्य। थर्ड, तोता स्वतंत्र जीवन जीना चाहता था, सत्य। फोर्थ, पंडित जी खुश होकर तोते को स्वतंत्र किया उन्होंने, असत्य। यस, यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं आप में इसमें की और की को जोड़ना है, ठीक है। तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। तोते ने कहा कि मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा। थर्ड, पंडित जी की बात सुनकर तोता नाचने लगा। पंछी पकड़ने की परिवार की मजबूरी थी। यस, दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित विशेषण शब्दों से मिलाइए। तोता बातूनी, पंडित जी समझदार, पेड़ हरा भरा, और कहानी बताइए, कहानी मज़ेदार, भोजन स्वादिष्ट, और कौवा काला। ओके, ये हो गए विशेषण शब्द। विलोम शब्द लिखने हैं, यानी अपोजिट लिखने हैं, स्वतंत्र परतंत्र, सुरक्षित असुरक्षित, प्रातः साय, केद आज़ाद, आवश्यक अनावश्यक, प्रसन्न दुखी। यस, वी हैव डन अपोजिट्स ऑल्सो, वी हैव डन दिस चैप्टर। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय।